हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आर्य बंसल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशंस के टाइप्स के बारे में बात की थी। रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, सारी डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ ली थी, सबके एग्जांपल हमने देख लिए थे। आज हम लोग उन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे नोट किए हुए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है, शो दैट द रिलेशन एस ऑन सेट आर, आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइंड एज एस इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब हमको एक रिलेशन दिया गया है एस, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स भी डिफाइंड है, और उसकी डेफिनेशन ये है कि ए कॉमा बी रिलेशन एस में तब आएगा जब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, और हमको शो करना है दिस विल नॉट बी सिमेट्रिक एंड विल नॉट बी ट्रांजिटिव। तो हम लोगों ने हमेशा ये पढ़ा है, जहां भी चीजों को मुझे प्रूव करना होता है कि ऐसा होगा, दिस इज ट्रू, तो वहां पे हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं ले सकते। लेकिन मैंने हमेशा बताया है आप सब लोगों को कि जहां भी हमको प्रूव करना होगा कि ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रू, तो वहां पर हम लोगों को हमेशा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ही लेना चाहिए। तो यहां पर हमें शो करना है सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो मैं एग्जांपल्स के थ्रू शो करने की कोशिश करूंगा कि रिफ्लेक्सिविटी मेंटेन नहीं होगी, सिमेट्री मेंटेन नहीं होगी और ट्रांसिटिविटी मेंटेन नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हम कैसे शुरू करेंगे। तो पहला हमने हेडिंग लिया इसमें रिफ्लेक्सिविटी। जैसे आप इसमें देख रहे हो रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन है इसमें ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए कॉमा बी तब आएगा जब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि दिस रिलेशन हैज एटलीस्ट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए कॉमा ए टाइप, इसमें ए कॉमा ए टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। तो देखने वाली बात यह कि अगर हम वन या वन से बड़े नंबर की बात करेंगे तो हर नंबर अपने स्क्वायर से या तो छोटा होता है या बराबर होता है, लेकिन मुझे a कॉमा ए ऐसा ढूंढना है कि जहां पे a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जीरो से वन के बीच जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, पावर रेज करने पर वैल्यू उनकी कम होती चली जाती है। जैसे मैं 1/2 की बात करूं, 1/2 का स्क्वायर करूंगा 1/4 आ गया और छोटा हो गया, 1/2 का होल क्यूब किया मैंने 1/8 आ गया और छोटा हो गया। तो जीरो से वन के बीच के नंबर्स की पावर हम जो रेस करेंगे वैसे वैसे नंबर की वैल्यू छोटी होती चली जाती है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे क्लियरली कोई भी ऐसा नंबर जो 0 1 के बीच हो, 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर एज 1/2 ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर, है ना। तो यहां पे आप कह दोगे कि 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, सो ये इंप्लाय करेगा एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ आ जाएगी आपको इसमें कि अगर ए कॉमा ए टाइप का एक भी पेयर ऐसा हो गया जो नहीं आ पा रहा रिलेशन में तो वो रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो हमने यहां पर शो कर दिया, ठीक है। अब आइए आप इसमें सिमेट्री पे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आपको बताया था मैंने, सिमेट्रिक रिलेशन हमारा वो रिलेशन होता है जिसमें अगर ए कॉमा बी टाइप का पेयर आ रहा है देन बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बी एग्जिस्ट देयर, मीन्स 1/2 आ रहा है तो 2/1 भी आना चाहिए, 1/3 आ रहा है तो 3/1 भी आना चाहिए, 5/7 आ रहा है 7/5 भी आना चाहिए। तो सिंपल है, कोई भी एग्जाम्पल लो आप यहां पे, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया आपसे यहां पर कि 1 <= 2 स्क्वायर, ये इंप्लाई करेगा कि ये 1/2 बिलोंग्स टू एस, ठीक, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर एस 2 इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन से इट इंप्लाइज 2/1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। तो हमने यहां शो कर दिया कि ए कॉमा बी तो आया लेकिन बी कॉमा ए नहीं आ पाया, ऐसा होने पर रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो आप कह दोगे कि रिलेशन एस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब आइए इसकी आप ट्रांजिटिविटी पे। रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, हमें यह शो करना है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, थोड़ा यह समझना पड़ेगा हमको। ट्रांजिटिव रिलेशन मैंने आपसे कहा था, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर,
मीन्स ए कॉमा बी आ रहा हो एंड अगर बी कॉमा सी आ रहा हो तो मुझे ए कॉमा सी भी चाहिए होता है रिलेशन आर में। ठीक, तो यहां पर रिलेशन नाम एस है, हमको यहां पे न्यूमेरिकली तीन वैल्यू ऐसी ढूंढनी पड़ेगी कि फर्स्ट सेकंड आ जाए, सेकंड थर्ड आ जाए, लेकिन फर्स्ट कॉमा थर्ड वाला ना आ पाए। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे थोड़ा सा, क्लियर। जैसे मैंने कहा 5 < -6² ठीक है, दिस मीन्स 5 - 6 बिलोंग्स टू एस, 5 < = 36 होता है एंड -6 < = कितना लिख दूं मैं यहां पे 2² -6 हमारा 4 से छोटा होगा। ठीक, लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि आप 5 < = 2² भी होगा, बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज 5 > 2² सो वी कैन से इट इंप्लाइज 5, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी आ गया, बी कॉमा सी आ गया, लेकिन ए कॉमा सी इसके अंदर नहीं आ पाया। सो वी कैन से रिलेशन एस इज नॉट ट्रांजिटिव टू, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो पाया। तो यहां से हमारी बात पूरी हो गई, जो रिलेशन है हमारा ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट, रिलेशन डिफाइंड है हमारा सेट ए पे जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, गिवन बाय रिलेशन है क्या, रिलेशन ये है कि रिलेशन आर में ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर तब आएगा व्हेन मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मींस ए कॉमा बी तब आएगा जब दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस एक इवन नंबर होगा। ठीक है, इवन नंबर का मतलब क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, ऐसे मान लीजिए इसको, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमको शो करना है दिस रिलेशन शुड बी इक्विवेलेंस। उसके बाद एक सबपार्ट भी है इसमें, सबपार्ट क्या है, इन्होंने कहा शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1, 3, 5 के सेट के सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2, 4 के एलिमेंट्स भी आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे, लेकिन 1, 3, 5 का कोई भी एलिमेंट 2, 4 से रिलेट नहीं करेगा। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट मेन पार्ट ये है, उसके बाद से सब पार्ट ये है, तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट से इसका। ठीक है, तो ये हमने नंबर दे दिया यहां पर 2, गिवन रिलेशन क्या है हमको इसमें, गिवन रिलेशन है इसमें ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, डिफाइंड ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, तो हमको शो करना है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट मीन्स वी हैव टू शो दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक एज वेल एज दिस इज ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे रिफ्लेक्सिविटी के बारे में। रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमें ए कॉमा ए टाइप का पेयर रिलेशन में शो कर देना होता है, अगर ए कॉमा ए टाइप की सारी वैल्यू रिलेशन आर में आ रही है देन रिलेशन विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट ए नाम दे दिया मैंने उसमें जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा क्लियरली, ए माइनस ए का मॉड बराबर कितना आ गया, 0 हो गया, और 0 जो है वो हर सारे नंबर्स का मल्टीपल होता है, सो वी कैन से 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑल्सो, दैट मीन्स 0 इज एन इवन नंबर वी कैन से हियर। ठीक है, तो यहां पे हम कह देंगे इसमें कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक, तो यहां से हमने कह दिया रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर आइए आप इसकी सिमेट्री पे, सिमेट्री में क्या होता है, ए कॉमा बी आ रहा है तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए, मतलब यहां पे हमें 2 एलिमेंट्स की नीड है, तो हमने यहां बोल दिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, मैंने सेट ए में से ए कॉमा बी 2 नाम जनरल दे दिए, कुछ भी इन 5 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे मान लो कि यहां पे हमको दिया होता है कि भाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, मतलब ये हमको दिया है तो हमें शो करना है बी कॉमा ए भी आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ए कॉमा बी आने के लिए मॉड ऑफ ए माइनस बी का इवन होना जरूरी था, तो बी कॉमा ए आने के लिए मॉड ऑफ बी माइनस ए का इवन होना जरूरी है, सो वी कैन से हियर बी माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल टू 2λ बिकॉज माइनस साइन का डिफरेंस आएगा और माइनस साइन मॉड एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहां से मैं कह दूंगा कि भाई बी कॉमा ए भी हमारे रिलेशन आर में आ रहा है, तो यहां से मैं कह दूंगा रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहां हमने सिमेट्री की बात कर ली, अब हम बात करेंगे यहां पे ट्रांजिटिविटी की।
अब ट्रांसिटिविटी में क्या होता है, ए कॉमा बी आ रहा है एंड बी कॉमा सी आ रहा है, देन ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, तो यहां पे हमको तीन एलिमेंट्स की नीड होती है, तो हमने यहां पे तीन एलिमेंट सपोज कर लिए सेट ए से ले लिए इसमें। ठीक है, गिवन आप मान लो कि हमको दिया हुआ है कि भाई ए कॉमा बी आर में आ रहा है, ए कॉमा बी आ रहा है इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी शुड बी एन इवन नंबर, बी कॉमा सी आ रहा है आप मान लीजिए, दैट मीन्स दिस वन, हमें अब शो करना है कि ए कॉमा सी भी आना चाहिए। अब देखो इन दोनों में ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे मॉड ऑफ ए माइनस सी मिल जाए, पहले तो मैं यहां से मॉड हटाऊं फिर मैं दोनों को ऐड कर दूं, बी कट जाएगा ए माइनस सी बच जाएगा, तो मॉड कैसे हटाया जाए, प्लस माइनस टू लैम्डा हो जाएगा, ये कैसे हटाया जाए, प्लस माइनस टू म्यू हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, ए माइनस सी बराबर प्लस माइनस टू टाइम्स म्यू प्लस लैम्डा, तो मॉड ऑफ ए माइनस सी आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ के, हमने लैम्डा प्लस म्यू को यहां पर के नाम दे दिया, तो आप देख रहे हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस सी इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ठीक, तो यहां से मैं कह दूंगा कि भाई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया, हेंस आर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो हमने यहां पे रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव भी शो कर दिया, सिमेट्रिक भी शो कर दिया और ट्रांजिटिव भी शो कर दिया, दैट मीन्स रिलेशन आर शुड बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, अभी इसका सेकेंड पार्ट भी हमारे पास, सेकेंड पार्ट क्या है, इन्होंने कहा कि 1, 3, 5 के सेट में आने वाले सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करेंगे, 2, 4 में आने वाले सारे आपस में रिलेट करेंगे, लेकिन 1, 3, 5 से 2, 4 वाले आपस में रिलेट नहीं करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन ये ए कॉमा बी तब आएगा व्हेन मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। आप देखिए ये हमारे सारे सिर्फ ऑड नंबर्स है, आपको पता है कोई भी दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस हमेशा एक इवन नंबर होता है। ठीक, अगर दो वैल्यूज का डिफरेंस इवन नंबर है तो इसके अंदर तो आ ही जाएगा, फिर ऐसे आप देखिए ये हमारे सारे इवन नंबर्स है, आप ये भी जानते हो कि दो इवन नंबर्स का डिफरेंस भी हमेशा एक इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब क्या हो, ये भी सारी पॉसिबिलिटी आएंगी हमारे रिलेशन के अंदर। फिर आप देख रहे हो ये हमारा ऑड है ये इवन है, आपको अच्छी तरह पता है कि एक ऑड और एक इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा एक ऑड नंबर होता है, और हमको चाहिए रिलेशन में इवन नंबर, दैट मींस इसका कोई भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो पाया, क्यों, इन दोनों के जो डिफरेंसेस मिलेंगे वो हमेशा मुझे ऑड मिलेंगे, तो रिक्वायरमेंट में हमारे नहीं आ पाएंगे। तो सिंपल नीचे हम इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, जैसे मैंने आपको समझाया, ऐसे आप इसको लिख दोगे बाद हमारी यहां पर खत्म हो। ठीक है, तो ये वाली बात यहीं तक, नेक्स्ट बार नेक्स्ट लेक्चर।